गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट योर न्यू कंसेप्ट विच वन इज एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट. यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एज वेल एज एवोगैड्रोज लॉ. आफ्टर दैट वी हैव द कंसेप्ट इज एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट. सो बिफोर गोइंग टू नो अबाउट एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट क्या है और मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इसको समझने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें यहां पे हैं उनको मैं आपको डिटेल में करवाता हूं कि व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट. यहां जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझेंगे. सो लेट अस मूव. भाई मैंने आपको सबसे पहले, अगर आपको याद होगा, मैंने एक कंसेप्ट दिया था कि हमारे पास जो मैटर है, मैटर की अगर बात करते हैं, आई एम सेइंग अबाउट दिस वन इज सबस्टांस, कि कोई भी जो सबस्टांस है उस सबस्टांस को, जिसे हम मैटर भी बोल रहे हैं, उसको हमने कैटेगराइज किया था दो पार्ट के अंदर. एक को बेटा हमने बोला था दिस वन इज कॉल्ड प्योर सबस्टांस, और दूसरे को नाम दिया था दिस वन इज कॉल्ड इम्प्योर सबस्टांस. इम्प्योर सबस्टांस मीन्स दिस वन इज कॉल्ड मिक्सचर, और प्योर सबस्टांस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो चीजें थी हमारे पास. आई हैव टोल्ड यू द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, उसे नाम दिया था एलिमेंट. द सेकंड वन उसे नाम दिया था कंपाउंड. ठीक है बेटा, एक हमारे पास एलिमेंट आया, एक हमारे पास कंपाउंड आया. सबसे पहले मैं आपको यहां एक चीज मेंशन करना चाहता हूं कि हम केमिस्ट्री के अंदर हमेशा जो हमारी डीलिंग होती है वो इम्प्योर सबस्टांस से कम होती है. जो हमारी डीलिंग होती है, जो केमिस्ट्री का बेस है, जिसमें हम केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ते हैं, हमारी जो डीलिंग होती है वो हमेशा और हमेशा प्योर सबस्टांस को बेस मान करके होती है. गॉट द कंसेप्ट? सो कि भाई हमारे पास जो सबस्टांस है इसको हमने प्योर सबस्टांस और इम्प्योर में कन्वर्ट कर दिया, चेंज किया, और प्योर सबस्टांस के हमने दो पार्ट बनाए, द फर्स्ट वन एलिमेंट, द सेकंड वन कंपाउंड. सो लेट अस मूव. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई ये जो सबस्टांस है, ये सबस्टांस क्या है. एक्चुअली जो सबस्टांस होता है, इट इज, ध्यान से सुनेंगे, इट इज कंपोज्ड बाय फंडामेंटल पार्टिकल्स. ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी जो सबस्टांस है, किसी भी सबस्टांस के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो भाई वो सबस्टांस किससे मिलके बना होगा? एक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होगा. और फंडामेंटल पार्टिकल कौन होता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स उन्हें बोला जाता है दोज आर स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म. जो अपने आप में क्या होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो अपने आप में स्मॉलेस्ट भी होते हैं और जो अपने आप में क्या होते हैं, सिंपलेस्ट भी होते हैं. व्हाट द कंसेप्ट? क्या बोला गया कि हमारे पास एक फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल वो होता है जो अपने आप में क्या होता है, स्मॉलेस्ट भी होता है और सिंपलेस्ट भी होता है. एंड द फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग टेंडेंसी, एंड द फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग टेंडेंसी टू गिव, क्या बोलूंगा, टू गिव ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द सबस्टांस विच इज प्रेजेंट इन द बल्क. ध्यान से सुनो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको लिखवाया है, मुझे ध्यान से सुनेंगे. सबसे पहले हमने कहा कि सबस्टांस जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना है, और फंडामेंटल पार्टिकल अपने आप में स्मॉलेस्ट भी होता है, सिंपलेस्ट भी होती है. एंड जो
जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है, हैविंग टेंडेंसी टू गिव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द सबस्टांस विच इज प्रेजेंट इन द बल्क। मैं अगर आपको ये बोलूं, मैं आपको बोलूं कि हमारे पास वॉटर का मॉलिक्यूल है, वी हैव अ कंटेनर, ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमारे पास एक कंटेनर है एंड इट इज फुल ऑफ वॉटर, इसके अंदर वॉटर से ये भरा हुआ है। मान लो इसके अंदर मैं मिलियन में वॉटर के मॉलिक्यूल्स बोलता हूं, तो इसका मतलब जो वॉटर है वो मिलियन में प्रेजेंट है, और अगर मिलियन मॉलिक्यूल्स अगर वॉटर के प्रेजेंट हैं तो वॉटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द बल्क, ये बल्क में प्रेजेंट है। लेकिन इसका फंडामेंटल जो पार्टिकल होगा, वो फंडामेंटल पार्टिकल इस वॉटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है और देगा, having tendency to give all the information about the substance which is present in the bulk. That's why ये हमारे पास क्या बना, fundamental particle बना। जो fundamental particle है substance का, जो substance तैयार किया वो किससे तैयार किया, fundamental particle से तैयार किया। अब concept ये आता है कि I am going to tell you about the concept of element। मेरे पास concept आया element, मेरे पास concept आया compound। So लेट अस मूव कि भाई एलिमेंट की अगर बात करें तो एलिमेंट का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन है। सो द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एन एटम। ध्यान से सुनेंगे बेटा कि जो हमारे पास एक एलिमेंट है उस एलिमेंट का फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, एटम है। एंड लेट अस मूव टूवर्ड्स कंपाउंड। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इसका फंडामेंटल पार्टिकल को बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है, व्हाट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड, योर आंसर मस्ट बी मॉलिक्यूल। एंड वी नो अबाउट द कंसेप्ट कि भाई जो मॉलिक्यूल होता है, अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, सो मॉलिक्यूल जो है वो कंपोज होता है। एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया वाटर लिखा, जैसे मैं लिखता हूं H2S लिख दिया मैंने, या जैसे मान लो मैंने क्या लिख दिया HCl लिख दिया, या जैसे मान लो हमने एक मॉलिक्यूल H2SO4 का लिख दिया, गॉट द कॉन्सेप्ट। जितने भी सारे ये मॉलिक्यूल्स मैंने यहां लिखे हैं, मुझे ध्यान से सुनेंगे, दे कंसिस्ट इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे वाटर की बात करेंगे तो वाटर में एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा। इसमें हाइड्रोजन का एटम आ गया, इसमें ऑक्सीजन का एटम आ गया। इन द केस ऑफ वाटर, इफ यू वांट टू से अबाउट हाइड्रोजन सल्फाइड, इट कंसिस्ट द एटम्स लाइक हाइड्रोजन एज वेल एज सल्फर। सल्फर का भी एटम आ गया, हाइड्रोजन का भी एटम आ गया। सिमिलर वे अगर HCl की बात करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन भी आ गया, Cl आ गया। H2SO4 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका हाइड्रोजन आ गया, सल्फर आ गया और ऑक्सीजन आ गया। गॉट द कंसेप्ट। ये जो चीज यहां पे मैं बोल रहा हूं, इसका नाम क्या, इनका नाम क्या है, दीज आर कॉल्ड एटम्स। क्या नाम है इनका बेटा, मुझे ध्यान से सुनो, इनका नाम क्या है, एटम्स, इनको मैं बोल रहा हूं एटम बोला जा रहा। यहां से एक नया कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। That's why we can say that the fundamental particle of molecule is called atom. कि एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, एटम है। और जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल किसका फंडामेंटल पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड। That's why we can say that कि भाई जो कंपाउंड होगा वो भी किससे मिलके बना होगा, एटम से मिलके बना होगा। Got the concept? Yes and no, बेटा? अब लेट अस मूव, अब हम चलते हैं कि भाई अगर एटम की मैं बात कर रहा था, अगर मान लो मैं मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, सो हाउ टू डिफाइन। इन प्रीवियस क्लास, छोटी क्लासेस में आपने एटम और मॉलिक्यूल को बहुत डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है। लेट अस मूव, थोड़ा मैं आपको यहां बताता हूं कि एटम क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। नाउ बेटा चलते हैं, एटम और मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं। तो यहां पे आया हमारे पास दिस वन एटम। सबसे पहले डिफाइन करेंगे एटम क्या है, तो हम बोलेंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
सबस्टांस विच मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ध्यान से सुनो बेटा, क्या बोला गया है, लिसन मी केयरफुली। आई एम सेइंग एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सबस्टांस एंड विच मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हाउ टू से दैट मे एंड मे नॉट, कैसे करके आप मे और मे नॉट बोल रहे हैं, मतलब क्या मीनिंग है, मुझे ध्यान से सुनो। जैसे मान लो मैंने यहां पे क्या किया, मैं यहां पे लिखता हूं आई एम सेइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नोबल गैसेस। ध्यान से सुनेंगे बेटा, हमारे पास नोबल गैसेस हैं लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड ज़ीनॉन एंड रेडॉन। ध्यान से सुनेंगे बेटा, दीज आर द नोबल गैसेस, ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं, इनको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको, ध्यान से सुनेंगे, इनके कितने नाम हैं, इनर्ट गैस भी इनको बोलते हैं, इनको जीरो वैलेंट एलिमेंट भी बोलते हैं, इनको एरोजेंस भी बोलते हैं, इनको 18th ग्रुप, ध्यान से सुनेंगे, एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या क्या नाम है इनके, ठीक है, या इनको एक और भी बोल सकते हैं, इनको रियर गैसेस भी बोलते हैं। ध्यान से सुनेंगे, नॉबल गैस बोल दिया इनको, इनर्ट गैस बोल दिया, ध्यान से सुनेंगे, इनको जीरो वैलेंट एलिमेंट्स बोल दिए, एयर में प्रेजेंस होने के कारण एरोजेंस भी बोल दिया इनको, 18th ग्रुप के एलिमेंट्स भी बोल दिया इनको, इनको रियर गैसेस भी बोल दिया। दीज ऑल आर द नोबल गैसेस, ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं। और जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं हम क्या पढ़ते हैं, दीज ऑल आर स्टेबल, ये अपने आप में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और जितनी भी सारी गैसेस हैं ये मोनो एटॉमिक हैं, मतलब ये अपने आप में कैसी होती हैं, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप इनका मॉलिक्यूल भी बनाना चाहो तो भी ये एटॉमिक फॉर्म में ही रहेंगी। इसका मतलब अगर मान लो मैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर हीलियम की अगर मैं बात करूं तो हीलियम को 2 लिखा, ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2, और नियॉन को कितना लिख दिया आपने, 10 लिखा, तो आपने लिखा 2 और 8, बाकी सभी के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, इसलिए हमने क्या बोला, ये स्टेबल हैं। अगर ये स्टेबल हैं दैट्स व्हाई ये इसी फॉर्म में रहती हैं, इसलिए इनके पास इंडिपेंडेंट क्या होती है, मे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये इस फॉर्म में रह सकती हैं, एटॉमिक फॉर्म में रह सकती हैं। बट इफ यू वॉन्ट टू से अबाउट, अगर मान लो मैं यहां पे लिखता हूं ऑक्सीजन हो गया, यहां मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, या यहां मैं नाइट्रोजन लिखता हूं, या यहां मैं फ्लोरीन लिखता हूं, या मैं क्लोरीन लिखता हूं, या मैं फास्फोरस लिखता हूं, या मैं सल्फर लिखता हूं, तो जितने सारे मैंने यहां पे एटम्स ये लिख दिए हैं, ये एटम्स जितने भी हैं ये कोई भी यहां पे इस फॉर्म में नहीं रहता है, दे डोंट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, रेदर देन हैविंग टेंडेंसी टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम वो होता है जो इंडिपेंडेंट रह सकता है, या जो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है, अगर ये ऐसे नहीं रहते तो कैसे रहते होंगे, हमने क्या लिखा है इसको, यहां लिख दिया जैसे O2 लिख दिया, O3 बना दिया, यहां से H2 बना दिया, यहां से N2 बना दिया, यहां से F2 बना दिया, क्लोरीन क्लोरीन Cl2 बना दिया, फास्फोरस P4 बना दिया, सल्फर S8 बना दिया, आया आपको समझ में, यस एंड नो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एटम या तो फ्री फॉर्म में या फ्री एग्जिस्टेंस में भी रहता है, और फ्री एग्जिस्टेंस में भी पॉसिबल नहीं है। गॉट द कॉन्सेप्ट, तो ये तो था हमारे पास एटम क्या चीज है। लेट अस मूव टुवर्ड्स मॉलिक्यूल, अब चलते हैं बेटे कंपाउंड की तरफ, सॉरी टुवर्ड्स मॉलिक्यूल नॉट कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल को हम डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे,
इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस विच और हैविंग इन डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और कैपेबल टू शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ध्यान से सुनिए आप क्या बोला गया बेटा, द अनदर कंसेप्ट विच वन इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। हमारे पास अगला कंसेप्ट जो आया उसे हमने नाम दिया मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल वो होता है जो कि सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट है ये भी, लेकिन जो मॉलिक्यूल है उसके पास कैपेबल टू शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को शो कर सकता है। एक जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट रह सकता है, और जितने भी सारे मॉलिक्यूल हैं उनको हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड होमो एटॉमिक एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक। लेट अस मूव, हमने लिखा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या है बेटा हमारे पास, इसे नाम दिया होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स उन्हें बोलेंगे कि जिनमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे। इनको हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा, सबसे पहले लिखा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर आया हमारे पास दिस वन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर आया दिस वन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर आ गया हमारे पास टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, या हमारे पास आया ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ध्यान देंगे, यहां हम लिखते हैं दीज आर हीलियम, क्या लिखेंगे, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ज़ीनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक में आप क्या लिखते हैं, O2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, F2 हो गया, एटसेट्रा। ये किस में आ गए, डाई एटॉमिक। सभी में एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, सेम कोर द कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट आया ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में जैसे आप क्या लिखते हैं, लाइक वी हैव O3 लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, O3 को आप ड्रॉ करते हैं। O3 किस में आ गया, ट्राई एटॉमिक में आ गया। या इफ यू वॉन्ट टू राइट लाइक वी हैव टेट्रा एटॉमिक, यहाँ लिख देते हैं P4 को लिखते हैं। अगर आप ऑक्टा एटॉमिक में लिखते हैं S8 लिख दिया या SE8 लिख दिया। ध्यान से सुनेंगे बेटा। तो ये था हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल को हमने द फर्स्ट वन जो कैटेगराइज किया था, दिस वन इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाउ द सेकेंड वन, दूसरा जो पार्ट बनता है उसे बोला जाता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लो बेटा मैंने लिख दिया HCl लिख दिया, H2O लिख दिया, जैसे NH3 लिख दिया, जैसे मैंने H2SO4 लिख दिया, जैसे हमने क्या कहते हैं यहाँ से CH4 लिख दिया, CCl4 लिख दिया। इनके नंबर ऑफ, वी हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कंपाउंड्स, ऐसे जो कंपाउंड्स बने या इनके जो मॉलिक्यूल्स बने। आपको मैंने पहले बता रखा है कि कंपाउंड का फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल है। तो ध्यान देंगे कि हमारे पास जितने भी सारे ये कंपाउंड हैं जिनको कि मैं क्या बोलूं, मॉलिक्यूल, जितने भी ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बने हैं, ये सारे के सारे अपने आप में कैसे हैं, हेट्रो एटॉमिक है। जैसे यहाँ पे एच है और साथ में दूसरा एटम किसका, सीएल का है, यहाँ हाइड्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया। गॉट द कंसेप्ट। तो ये बने, दीज ऑल आर द टाइप ऑफ, ये बने हमारे पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो लेट अस मूव, अब हम आगे चलते हैं कि भाई एटॉमिक वेट
और जो मॉलिकुलर वेट है उसको हम डिफाइन करेंगे। उसको डिफाइन करने से पहले भी हमारे पास अगला कंसेप्ट आएगा, वहां पे एक स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं एटम का, और वहां से जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो भी डिफाइन करेंगे। देखो बेटा, लेट अस मूव बेटा, यहां ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, यहां लिखूंगा सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक एटम का एक सिंपल स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं कि हमारे पास कोई भी जो एटम है, ये नाइन्थ टेंथ में आपने पढ़ लिया था, इसका एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाद इसके अंदर इसके शेल्स होती हैं। जो हमारे पास शेल्स हैं इनको क्या नाम दिया, दीज आर कॉल्ड, इन्हें बोला शेल्स भी बोलते हैं या इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं या इनको ऑर्बिट भी बोलते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ये आगे डिफाइन किया जाएगा, बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब आएगा तब आपको डिफाइन करवाया जाएगा। अब जितने भी ये शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या चीज होता है, इलेक्ट्रॉन। और जो ये न्यूक्लियस है, दिस वन इज कॉल्ड, इसे क्या बोला, इसे बोला गया है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक को नाम दिया दिस वन प्रोटॉन, और प्लस करके दूसरा जो होता है उसे नाम दिया दिस वन इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। ध्यान से सुनेंगे बेटा, एक प्रोटॉन है और दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन है। इन एन एटम, और एटम का जो स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर सबसे पहले एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन को हमने स्मॉल पी से डिनोट कर दिया, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से डिनोट कर दिया, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उस चार्ज को बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो चार्ज कितना होता है, जीरो का चार्ज होता है, नो चार्ज। और इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं, दिस वन इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो चार्ज किसका होता है, नेगेटिव का चार्ज होता है। गॉट द कंसेप्ट, हम क्या क्या समझे, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ई और इसके ऊपर एक नेगेटिव का साइन बना दिया, ऐसे करके डिनोट कर दिया। तो हमारे पास एक एटम के अंदर, एक एटम का जो स्ट्रक्चर बना उसमें, उसमें क्या बने, सबसे पहले न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आया, उसके बाद जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स, शेल्स बने, ऑर्बिट्स बने, उनमें इलेक्ट्रॉन मिला हमें। अब अगर मान लो, मुझे ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां पे किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दूं, तो ध्यान से सुनो, मान लो हमारे पास कोई एक्स है, और इस एक्स को अगर मैं एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो यहां लिख दिया मैंने ए और यहां नीचे लिखा मैंने जेड। यहां ए का मीनिंग क्या है, ए बराबर, इसे बोला जाता है दिस वन इज कॉल्ड मास नंबर, और जो मास नंबर होगा वो लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन्स प्लस प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एडिशन बनता है उसे बोला जाता है मास नंबर। और अगर मान लो मैं जेड की बात करूं, तो जेड बराबर बना दिस वन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और जो बराबर होता है दिस वन इज कॉल्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ध्यान से सुनेंगे बेटा, किसी न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होता है, जितने के उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव का चार्ज होगा। किसी एलिमेंट का या किसी एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतनी ही क्या होंगे, उसमें प्रोटॉन्स होंगी। तो ये तो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले हम इनका मास लिखते हैं। तो ध्यान से सुनो, अगर मान लो मैं यहां पे मास भी लिखते हैं, चार्ज भी लिखते हैं, ठीक है, यहां लिखूंगा दिस वन, इन्हें भी क्या बोला जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल। क्या है, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो मिलकर के कंपोज होकर के एटम को तैयार करते हैं। तो यह फंडामेंटल पार्टिकल में मैंने लिख दिया दिस वन प्रोटॉन, यहां लिख दिया न्यूट्रॉन, यहां लिख दिया दिस वन इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो आएगा, ये आएगा मास,
थर्ड वन जो आएगा उसे लिख देता हूँ दिस वन चार्ज। ध्यान से सुनेंगे, अगर मान लो मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ तो प्रोटॉन का जो मास बनता है 1.672 × 10⁻²⁷ kg जो बराबर 1.672 × 10⁻²⁴ g। और ये जो मास यहाँ पे आया बेटा याद रखेंगे, इसे हम बोलते हैं 1 amu, इतना भी इसे बोला जाता है। तो ये तो आया हमारे पास दिस वन प्रोटॉन। प्रोटॉन के बाद दूसरा जो आएगा वो न्यूट्रॉन था। प्रोटॉन का चार्ज अगर लिखना हो तो कितना बनता है, प्लस हो गया 1.602 × 10⁻¹⁹ g, याद रखेंगे बच्चों। इसके बाद आया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो मास बना 1.674 × 10⁻²⁷, ये केजी बना, जो बराबर 1.674 × 10⁻²⁴, और इसे क्या लिख दिया हमने, ग्राम में लिख दिया। अगर आपको पूछा जाए कि प्रोटॉन का मास हो गया, अगर मास की बात करें प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली किसके मास से ज़्यादा होता है, प्रोटॉन के मास से। प्रोटॉन का मास कितना है 1.672, न्यूट्रॉन का कितना बोला 1.674, सो द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। सो इफ यू वॉन्ट से अबाउट द चार्ज, तो न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज बेटा जीरो का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। नाउ लेट अस मूव द थर्ड वन, विच वन इज कॉल्ड, अगला कंसेप्ट हमारे पास इसका पार्ट जो बना उसे फंडामेंटल पार्टिकल जो बना किसी एटम के अंदर, वो आया हमारे पास क्या बोला उसे, इलेक्ट्रॉन बोल दिया हमने। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास बनता है, दिस वन इज 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। व्हाट द कंसेप्ट, अगर आप इसे ग्राम में चेंज करो तो क्या कर देंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कितना लिख सकते हैं, 9.1 × 10⁻²⁻ का कितना बनेगा, 27 बन जाएगा, 28 बनेगा, ठीक है, दिस वन 28, और इतना क्या बन जाएगा आपका ग्राम। वैसे जनरली इसको ग्राम में हम कभी लेते नहीं हैं, जरूरत भी नहीं है वहाँ जाने की, इतना याद रखो, दिस वन 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। गॉट द कंसेप्ट, अगर इसका चार्ज बोलें तो ये चार्ज जो बना −1.602 × 10⁻¹⁹ g। ध्यान देंगे, यहां प्रोटॉन का चार्ज आया, यहां हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दे बोथ है, इन दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, बट जो इनका चार्ज का मैग्नीट्यूड है, अगर आप इनके मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, दिस वन डिफरेंट, दिस वन अपोजिट, यहां पॉजिटिव का है और यहां किसका आया, दिस वन नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को ध्यान रखेंगे। तो ये बना बेटा हमारे पास, जो हमारे पास जो एटम के अंदर, एटम का स्ट्रक्चर बना, उसके अंदर जो उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, और उन फंडामेंटल पार्टिकल में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना मास होता है, कितना चार्ज होता है। इफ यू वॉन्ट टू सेव आउट, अगर आप ये बोलते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है और उसके कंपैरिजन में अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास की अगर बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट में बिल्कुल नेग्लिजिबल है। व्हाट द कंसेप्ट, यस एंड नो, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स एटॉमिक वेट। तो बेटा चलते हैं टुवर्ड्स एटॉमिक वेट। तो हमारे पास अब जो टॉपिक आया वो हमने लिखा, दिस वन इज एटॉमिक वेट। ध्यान से सुनो, हाँ, एटॉमिक वेट क्या है, सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि ये अपने आप में एक यूनिटलेस क्वांटिटी है भाई। ध्यान से सुनो, सबसे पहला कंसेप्ट क्या आया कि जो एटॉमिक वेट है वो अपने आप में एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। कैसी है ये, यूनिटलेस क्वांटिटी है। जैसे मान लो आपने लिख दिया ऑक्सीजन, तो आप लिखेंगे 16। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट लिखा वो कितना लिखा, 16।
अगर मान लो आपने सल्फर लिखा तो कितना लिख दिया 32, अगर आप नाइट्रोजन लिख रहे हैं तो कितना लिख रहे हैं 14, अगर आप हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो कितना लिख रहे हैं 1। यहाँ कहीं भी कोई यूनिट नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, मतलब जो एटॉमिक वेट है वो अपने आप में एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। बहुत क्लियर है। अब अगर मान लो आप क्या करना चाहते हैं, एटॉमिक वेट निकालना चाहते हैं, तो एटॉमिक वेट बराबर होता है, ध्यान से सुनो, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। ध्यान से सुनो, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, और यहां लिखते हैं डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ध्यान से सुनेंगे बेटा, दिस वन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चीज जिस बच्चे को समझ आ गया उस बच्चे को एटॉमिक वेट कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखी है कि एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इन द रेशियो और डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर हम एक एटम के मास को, जो कार्बन का जो एक एटम का मास है उसका 1/12 लेने के बाद अगर इसे डिवाइड कर दें तो एटॉमिक वेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एटॉमिक वेट आ जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, या यहां एक क्वेश्चन ये बनता है कि एटॉमिक वेट का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक वेट। बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। तो एटॉमिक वेट का सिग्निफिकेंस क्या है कि एटॉमिक वेट से हम वन एटम या मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप एटॉमिक वेट अगर आपको पता है, जिसकी कोई भी क्या नहीं है, यूनिट नहीं है, जो यूनिटलेस है, अगर उससे पूछा जाए कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपका आंसर क्या बना कि जो एटॉमिक वेट है उसका सिग्निफिकेंस है कि उससे हम एक एटम का जो मास है वो निकाल सकते हैं। एक एटम का मास निकालना है आपको, कहां से निकालना है, जस्ट फ्रॉम एटॉमिक वेट। अगर मान लो मैं यहां पे बोलता हूं, मैं यहां लिखूंगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, तो बराबर कितना लिखूंगा, अगर ये निकालना है तो हम लिखेंगे दिस वन इज कॉल्ड एटॉमिक वेट हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। और जो इतना मैंने यहां पे लिखा है, ये जो चीज मैंने यहां पे लिखी है, ये मिला करके बोला जाता है बेटा एएमयू या 1 AMU। क्या बोला जाता है? 1 AMU। मतलब अगर एटॉमिक वेट को एएमयू से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, क्या बोला मैंने, एटॉमिक वेट यूनिटलेस क्वांटिटी है, उसको एएमयू से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो किसी एक जो एलिमेंट है उसके एक एटम का मास आ जाएगा। आया बेटा समझ में? यस एंड नो, दिस इज इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको एक एटम का मास निकालना है तो जो उसका एटॉमिक वेट है उस एटम का, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, एएमयू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जो मास बनेगा वो एक एटम का मास आ जाएगा। और आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर मान लो आप 1 AMU को फाइंड आउट करते हैं तो 1, ध्यान से सुनेंगे, 1 AMU बराबर कितना होता है, यहां लिख दिया 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। कार्बन के C12 का जो एक एटम का मास है अगर उसका 1/12 कर दें तो हमारे पास 1 AMU का मास आ जाएगा, या 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी। गॉट द कंसेप्ट? तो लेट अस मूव, सबसे पहले क्या करेंगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 निकालना सीखेंगे। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, यहां बेटा अभी नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा स्टार्ट होगा, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मोल कंसेप्ट। यहां जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं,
आज का जो वीडियो को जो मेरा लेक्चर था वो मोल कंसेप्ट का ही बेसिक है, लेकिन बिफोर गोइंग टू नो अबाउट मोल कंसेप्ट, बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा था, तो मास ऑफ वन एटम कार्बन 12 निकालना सीखते हैं। अभी जितना मैं आपको बताऊंगा उतना समझेंगे, बाकी मोल कंसेप्ट में डिटेल में करवाएंगे। यहां एक कंसेप्ट आता है कि 6.022 × 10⁻², जिसे कि हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इतने यहां लिखूंगा एटम्स ऑफ कार्बन हैविंग मास जो बराबर ग्राम एटॉमिक मास होता है इक्वल टू, हमने लिख दिया 12 ग्राम। ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसलिए अगर मैं क्या करूं, वन एटम ऑफ कार्बन हैविंग मास, ध्यान देंगे एक एटम का मास निकाल रहा हूं मैं यहां से, तो बराबर कितना आया 12 × 6.022 × 10⁻²। और द कंसेप्ट इतना किस में आ गया, इतना ग्राम में आ गया। यस एंड नो, ये किसका मास आया, कार्बन के एक कार्बन 12, ध्यान रखेंगे यहां पे, यहां कार्बन 12 की बात की जा रही, तभी तो 12 ग्राम लिया है। इसलिए वन एटम ऑफ कार्बन 12 का जो मास आया वो कितना आया, 12 / कितना कर दिया एवोगैड्रो नंबर Na, इसे बोला जाता है 6.022 × 10⁻², इसे बोला जाता है। तो हमने यहां से एक एटम का मास निकाला, अब क्या करें भाई, Amu को निकालो। अब आप तो Amu को निकालने के लिए क्या करेंगे, नाउ वन वन Amu बराबर कितना होगा, क्या करेंगे 1/12 × और एक एटम का जो मास आया 12 × 6.022 × 10⁻², जब आप बेटा इस पूरे को सॉल्व करते हैं, तो अगर आपको याद होगा जब मैंने प्रोटॉन का मास आपको बताया था तो आपको बोला था 1.67 × 10⁻²-24 ग्राम, और अब ये जो मास आया हमारे पास, एक Amu का जो मास बना, वन Amu का जो मास बना वो कितना बन गया, 1.67 × 10⁻²-24 ग्राम। समझ में आया बेटा आपको? अब मुझे ध्यान से सुनो, हाँ, मैं यहां पे क्या लिखता हूं, मेरे पास मैंने लिखा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो मास है, मास ऑफ ऑक्सीजन, या हाँ लिख देते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से सुनेंगे, एटॉमिक, या इसको ऐसे निकाल देते हैं, मैं लिखूंगा मैं, दिस वन इज कॉल्ड एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से सुनेंगे यहां, अगर आपने ऐसे लिखा, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपने लिखा दिस वन इज कॉल्ड 16, अगर आपने 16 लिखा तो उस कंडीशन में आपने किसके बारे में बात किया, एटॉमिक वेट के बारे में बात की। अगर आपको बोला जाता है कि ऐसा करो, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो बराबर कितना लिख देंगे, अगर आपको मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको निकालना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां से जो एटॉमिक वेट था, एटॉमिक वेट कितना था 16, ध्यान से सुनो, दिस वन 16, उसे 16 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, Amu से। इसलिए हमने क्या किया, 16 × Amu जो बराबर हमने क्या लिखा, 16 Amu। ध्यान से सुनो बेटा, ये तो हमारा जो मास आया ऑक्सीजन के एक एटम का मास आया 16 Amu, लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसी को ग्राम में लिख दो तो क्या करेंगे भाई आप, हमने क्या किया 16 × जो Amu में था, Amu की वैल्यू कितनी आई ग्राम में, दिस वन 1.67 × 10⁻²-24 ग्राम। गॉट द कंसेप्ट? अब ये जो यहां पे मास आया, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, यहां पे ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास आया वो मास किस में आया, ग्राम में आ गया। गॉट द कंसेप्ट? दिस वन इज कॉल्ड मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बनेगा, 16 × 1.67 × 10⁻²-24 ग्राम, क्योंकि 1 Amu का जो मास या 1 Amu की जो वैल्यू होती है वो कितनी आई थी, 1.67 × 10⁻²-24। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन के एक एटम का ये हमने क्या कर दिया, मास निकाल दिया।
होप सो गुड कि जो एटॉमिक वेट वाला कंसेप्ट है वो आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। इसका सिग्निफिकेंस था कि यहाँ से मास ऑफ वन एटम आप निकाल सकते हैं, जो एटॉमिक वेट है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, वहां से हमने क्या किया मास ऑफ एक एटम निकाल दिया, हमने क्या किया एटॉमिक वेट को एएमयू से मल्टीप्लाई किया, एएमयू में आंसर आएगा। अगर आप ग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो वन एएमयू की वैल्यू जो बनी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए जो मास आएगा वन एटम का वो किससे किसके साथ में आ जाएगा, ग्राम के साथ में आएगा। होप सो गुड बेटा, चलते हैं जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको मॉलिक्यूलर वेट का को डिफाइन करवाएंगे। थैंक्स बेटा।